श्री कृष्ण की लीला अपरंपार थी। जब भी कृष्ण के जीवन काल के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले भगवान कृष्ण की लीलाएं दिमाग में आती हैं। इन्हीं लीलाओं में दो बार श्री कृष्ण को किन्नर बनना पड़ा था। पहली बार प्रेम के लिए मजबूरी थी जिसने श्री कृष्ण को किन्नर बनाया, और दूसरी बार धर्म के लिए वे किन्नर बने थे। आइए जानते हैं दोनों कथाएं। पहली कथा के अनुसार एक बार देवी राधा को खुद पर बहुत मान हो गया था। उस मान के कारण राधा का स्वभाव बदलने लगा था। सखियों द्वारा राधा को बहुत बार प्रयास किया गया समझाने का, लेकिन राधा नहीं समझी। भगवान श्री कृष्ण राधा से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। ऐसे में सखियों की सलाह के बाद कृष्ण ने किन्नर रूप धारण किया और नाम रखा श्यामरी सखी। श्यामरी सखी वीणा बजाते हुए राधा के घर के करीब आए तो राधा वीणा के स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर घर से बाहर आई और श्यामरी सखी के अद्भुत रूप को देखती ही रह गई। राधा ने श्यामरी सखी को अपने गले का हार भेंट करना चाहा, तो कृष्णा ने कहा, देना है तो अपना मान रूप रत्न दे दो, ये हार नहीं चाहिए मुझे। राधा समझ गई कि यह श्यामरी सखी और कोई नहीं बल्कि कृष्णा है। राधा का मान समाप्त हो गया और राधा कृष्ण का मिलन हुआ। दूसरी बार भगवान कृष्ण को धर्म के लिए किन्नर बनना पड़ा था। महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की जीत के लिए रणचंडी को प्रसन्न करना था। इसके लिए राजकुमार की बलि दी जानी थी। ऐसे में अर्जुन के पुत्र इरावन ने कहा कि वो अपना बलिदान देने को तैयार है, लेकिन इरावन ने इसके लिए एक शर्त रख दी जिसके अनुसार वो एक रात के लिए विवाह करना चाहता था। लेकिन कोई भी कन्या इरावन से विवाह करने को तैयार नहीं हुई क्योंकि उसकी मौत निश्चित थी। अंत में भगवान श्री कृष्ण को ही मोहिनी रूप धारण करके इरावन से विवाह करना पड़ा। विवाह के अगली सुबह मोहिनी रूपी कृष्ण ने विधवा बनकर पति की मृत्यु पर विलाप भी किया। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में रावण से शादी रचाते हैं, इसलिए हर साल बड़ी संख्या में किन्नर तमिलनाडु के कोंथादवर मंदिर में देवता इरावन से विवाह करके अगले दिन विधवा बन जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।